उत्तराखंड सरकार की तरफ से उत्तराखंड के गांव पहाड़ों में जो किसान हैं उनके सम्मान में किसान सम्मान निधि एक योजना लागू की है, और इसके तहत लोगों को, किसानों को दो दो हज़ार रुपये तीन बार साल में, यानी कि चार चार महीने के अंतराल में पूरे साल के 6000 रुपए की सम्मान निधि दी जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार काफ़ी सराहनीय एक भूमिका निभा रही है, काबिले तारीफ उनकी सैल्यूट है उत्तराखंड सरकार को कि वो खेती को बढ़ावा देना चाह रही है, वो बैलों को बढ़ावा देना चाह रही है, वो किसानों को बढ़ावा देना चाह रही है। तो काफ़ी अच्छी पहल है ये उत्तराखंड सरकार की, लेकिन यहाँ पर समझ ये नहीं आता कि उत्तराखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत की, उत्तराखंड सरकार ने इस योजना को कहाँ से, किस लॉजिक पे, किस बेस पे, किस आधार पे शुरू किया होगा और क्या सोच करके ये सम्मान किसानों को दिया जाता है। हालांकि लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, जब फ़ायदा हो रहा है तो अच्छा तो लगना ही है, लेकिन यहाँ पर किसान शब्द की अगर हम व्याख्या करें तो किसान यानी कि जो किसानी करता हो, जिसके खेत हों, जो खेत जोतता हो, जिसके बैल हों, जिसके गौशाले में गाय वगैरह हो, जो खेतों में मेहनत करे, जो गेहूं उगाए, धान उगाए, दाल उगाए, सब्जी उगाए, वही किसान कहा जाता है। लेकिन आज आप देखेंगे उत्तराखंड के काफ़ी ज़्यादा ऐसे, उत्तराखंड के काफ़ी इलाके ऐसे गांव हैं जहां पर कि खेती धीरे धीरे गायब हो रही है, और काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं कि जहां से तो खेती बिल्कुल ही गायब हो गई है, लेकिन किसान सम्मान निधि किसानों को, लोगों को दी जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। आज लोगों के खेत पूरी तरीके से बंजर पड़े हैं, लेकिन फिर भी लोगों को किसान सम्मान निधि उत्तराखंड सरकार दे रही है। आज गांव-गांव में घरों-घरों से बैल गायब हो चुके हैं, लोगों के घरों में, लोगों के गांव में ही हमें बैल देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी किसान सम्मान निधि लोगों को दी जा रही है। समझ ये नहीं आता कि आखिर वो किसान सम्मान निधि किस चीज़ पे दिया जाता है। आने वाली पीढ़ी ना ही बैल शब्द से परिचित होने वाले हैं क्योंकि बैल गायब हो चुके हैं, ना ही हल शब्द से परिचित होने वाले हैं क्योंकि हल भी अब लोगों के घरों में नहीं मिलता, ना ही वो नाड़े को जानना चाहेंगे, परिचित होंगे, ना ही वो जुआ से परिचित होंगे, ना ही वो जोल शब्द होता है ना जो खेत को प्लेन करता है, ना जोल शब्द से परिचित होंगे, ना ही वो निसुड़ा, बंदोला, बसुली, इन सभी चीज़ों से अनजान रहेंगे, लेकिन फिर भी लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। सरकार क्या सोच करके ये स्कीम चलाती है, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है कि ये किन लोगों को दिया जाना चाहिए। सरकार को साल में एक सर्वे करना चाहिए, जिसके घर में बैल हों, जिसके घर में बैल बंधे हों, उसको ये सम्मान निधि दी जानी चाहिए, यानी कि ये सर्वे हो साल में और ये सम्मान निधि और बढ़ाई जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जो सम्मान निधि ले रहे हैं लेकिन वो किसानी नहीं कर रहे हैं, तो वो कट हो जाएंगे। ऐसे में जो रियल में किसान हैं उनको इसका फ़ायदा हो, तो यहाँ पर साल में 6000 मिल रहे हैं, उसको 12 और 15000 कर दिए जाएं, कोई भी दोराह नहीं है। तो लेकिन इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि साल में सर्वे हो, उनके घर में बैल बंधे हों, जिनके घर में उन्हीं को ये सम्मान निधि आगे कंटिन्यू हो। दूसरा क्राइटेरिया हो खेत देखे जाएं, और जिनके ज़्यादा खेत, एक खेत का भी क्राइटेरिया बना देना चाहिए, जिनके ज़्यादा खेत उपजाऊ हों, खेत हो नहीं उपजाऊ हों, उनमें हल लगा हो, उनमें अनाज हो, उनको ये सम्मान निधि दी जानी चाहिए। आए दिन सर्वे होना चाहिए, जिनके पास हल हो, जुआ हो, ये सारी चीज़ें, बैल हो, तो ये इन सारी चीज़ों के लिए ये किसान सम्मान निधि
मिलनी चाहिए। बाकी पैसे तो आप कितने ही बहा लो वो पता चलता नहीं, लेकिन अगर आप रियल में ही किसानों से प्रेम करते हैं, रियल में आप गांव पहाड़ में रहने वाले उन रियल किसानों को सपोर्ट करना चाहती है उत्तराखंड सरकार, तो उसे कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करना चाहिए जिससे कि लोगों को, लोग खेती के लिए भी प्रोत्साहित हों। जब अभी पैसे मिलेंगे अपने घरों में बैल रखेंगे लोग, क्योंकि बैलों के पैसे मिल रहे हैं, अपने खेत जोतने हैं उनके पैसे मिल रहे हैं, तो लोग ज़रूर रखेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जब मिलता है तो बस हम भी ले रहे हैं, हमें भी मिल रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि हम किसान तो हैं ही नहीं, फिर किस चीज़ के आखिर ये पैसे मिल रहे हैं। बस काफ़ी मतलब एक मैं आज राउंड पे था, मैं थोड़ा सा यहाँ घूम रहा हूँ, देखो लोगों के तो खेत देखे मैंने, दूर दूर तक देखे तो सारे आप देखो कि पूरे बंजर पड़े हुए, जहाँ भी नज़र दौड़ाओ सभी खेत बंजर पड़े हैं, कहीं भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोई भी खेत आबाद नहीं है। और ये आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे टाइम से ये खेत बंजर से पड़े हैं। तो कहने का ही मतलब है कि जब खेत ही बंजर है तो फिर क्या फ़ायदा उससे सम्मान निधि का, जिसके लिए कि एलिजिबिलिटी ही नहीं है। सरकार पैसा तो बाहर ये बर्बाद कर रही है, लेकिन उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उस पर करेक्शन होना चाहिए, क्राइटेरिया फिक्स रहना चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरा सुझाव ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, कुछ लोग इसे दुखी भी होंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको सपोर्ट, मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, वो सही ज़रूर कहेंगे। तो आपके क्या विचार हैं, किसान सम्मान निधि किनको मिलना चाहिए, इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और जो क्राइटेरिया मैंने अब आपको बताए हैं उससे उनसे आप कितने सहमत हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारी पहाड़ी यादों के लिए इसी तरीके के टॉपिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।